5000 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा तो मैं लूंगा, 300 रुपए किलो का आटा लूंगा, वोट मैं भाजपा को दूंगा। क्योंकि गोबर खाते हैं तो इसलिए दिमाग नहीं काम है। डाबर चैवन परास खिलाइए तब महंगाई महंगाई लगेगी। 5000 रुपए का गैस मिलेगा तो लूंगा, लेकिन देश में रह करके राष्ट्र की सेवा करने वाले को वोट देता रहूंगा। कहां राष्ट्र की सेवा? एक तिरंगा का झंडा तुम लोग मोदी जी के देख लो ना, 400 रुपए खरीदो। पाकिस्तान चल जाओ, गोबर खाने वाले पाकिस्तान चले, जिसको महंगाई नहीं लग रही है, जो गोबर खाता वो पाकिस्तान चले जाए, जो गोबर खाता जो हिंदू राष्ट्र मांगता वो नेपाल चले जाए। अरे ये कोई बात हुई? आप इस तरीके से नहीं लग रही ना, गोबर खाने वालों को महंगाई नहीं लगती सर, किसी से पूछ लीजिए। जो गोबर खाता जो गौमूत्र पीता उसको महंगाई नहीं लगती, जिसको महंगाई नहीं लगती वो पाकिस्तान चले जाए, जिसको महंगाई नहीं लगती वो नेपाल चले जाए। दरअसल मानसिकता विपक्ष के लोगों की एकदम बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। महंगाई है नहीं ये महंगाई, महंगाई अगर जो है 5000 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा तो मैं लूंगा, भैया गोबर वोट मैं भाजपा को दूंगा। गोबर खाने वाले अगर जो मैं कह रहा हूँ देश में आटा अगर 300 रुपया किलो मिलेगा तो मैं 300 रुपये किलो का आटा लूंगा, लेकिन वोट मैं भारतीय जनता पार्टी को दूंगा, चूंकि वो राष्ट्र की निर्माण माता है, निर्माण दाता है। भाजपा राष्ट्र का निर्माण कर रही है, इसलिए 300 रुपए किलो आटा चल जाए। बिल्कुल चलेगा, 5000 का सिलेंडर चल लेंगे, सब झेल लेंगे, महंगाई को झेल लेंगे, लेकिन राष्ट्र के साथ कोई समझौता नहीं। ये दबंग लोग के लोग हैं, इस तरीके से समाज में बादरेशन पैदा कर दिए हैं, ये राष्ट्र का मतलब समझते ही नहीं है। मतलब यार तुम लोग आरएसएस का झंडा क्यों नहीं तिरंगा का फहराते हो यार, क्यों तिरंगा का झंडा नहीं लगाते हो यार? भाई साहब बड़ी बात कर रहे हैं, 5000 का सिलेंडर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। खाने वाले हैं ना मानर जी, सुनो ये गोबर खाने वाले, जो गोबर खाने वाले उन्हें महंगाई नहीं पता चलती, जो गौमूत्र पीते उन्हें महंगाई नहीं पता। हम लोग पानी पीने वाले हैं सर, अगर जो गोबर खाने वाले इनको हम लोग बार बार कहते हैं ना पाकिस्तान भेज दो, पाकिस्तान भेज दो। मैं आपके चैनल के द्वारा कहता हूं, जो इंडिया में गोबर खाने वाले हैं उनको पाकिस्तान भेज दो, जो हिंदू राष्ट्र मांगने वाले उनको नेपाल भेज दो। आप हिंदुस्तान की बात करें उसको इंडिया में रहना है। हाँ, जो हिंदुस्तान के भाई साहब बताए तो करें, गरीब मजदूर बेसहारे और लाचार के भाईचारा के प्यार मोहब्बत की बात करें उसे इंडिया में रहेंगे भाई हम लोग। बताइए तो भाई साहब बता रहे कोई दिक्कत नहीं, महंगाई कितनी भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। कि भाई साहब ने कहा कि गोबर खाते हैं उनको समझना, डाबर चवन प्रात खिलाइए तब महंगाई समझ में आएगी। ठीक है, तब बुद्धि काम करेगी, दिमाग काम करेगा, आंखें खुलेंगी। ठीक है, दिमाग नहीं काम कर, नहीं अभी दिमाग नहीं, क्योंकि गोबर खाते हैं तो इसलिए दिमाग नहीं काम। डाबर चवन परास खिलाइए तब महंगाई महंगाई लगेगी, क्योंकि अभी बुद्धि काम नहीं करेगी। गोबर में क्या रखा है यार, गोबर में कुछ है? डाबर चवन परास खाइए, दिमाग बढ़िया खुलेगा और चलेगा, तब महंगाई महंगाई। अंधे के आगे बीन बगाओ, भैंस खड़ी पकड़ा, वही हाल है यार, वही हाल इनकी। दिमाग नहीं काम कर रहा क्या? ये देखिए, ये जो है विपक्ष के लोग, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा के लोग को दिमागहीन शंख पुष्पी सिरप पीने की जरूरत है, क्योंकि ये दिमाग से पैदल हो चुके हैं, द्रोही ये दिमाग से पैदल हो चुके हैं। क्योंकि सभी गरीब को गोबर से काम करने वाला पशु और जानवर को रख करके पालन पोषण करने वाले को ये गोबर खिलाते हैं, क्योंकि ये सत्ता की मलाई खा करके और हम लोगों को आज भी गोबर जनता को खिलाने की तैयारी करते हैं। और महंगाई महंगाई जहां पर राष्ट्र की बात आती है, जहां पर राष्ट्र की बात आती है वहां पर हमको महंगाई कोई माने नहीं रखता। राष्ट्र की सुरक्षा होनी चाहिए, योगी सरकार राष्ट्र की सुरक्षा में लगे हैं, मोदी सरकार राष्ट्र की सुरक्षा में लगे हैं। आज आप देख रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप कर रहे हैं, सुरक्षा में आ गई सीमा हैदर, इनके सुरक्षा में आ गई आरडीएस, इनके सुरक्षा में पकड़ा गया, सारे माफिया इनके सुरक्षा में पकड़े गए, आप 10 करोड़ लेके भाग गए। पहले की गवर्नमेंट थी, किसी गवर्नमेंट 10,000 करोड़ रुपया लेके लोग भाग रहे हैं, इतनी बड़ी सुरक्षा बढ़ा। अरे सुनिए पत्रकार साहब, आप पक्षपात मत कीजिए, पत्रकारिता नहीं कर रहे, पत्रकारिता पत्रकारिता लेकर के जा रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं आप, पत्रकारिता हिसाब किताब से करिए। आपका जवाब ले रहा हूँ, मेरा जवाब ये है कि ये जो चैनल की बात करते हैं,
ये किसी पर विश्वास करने वाले है ही नहीं। बड़ी बात है, हम बात के नाम पे 5,000 का सिलेंडर चलेगा। हाँ बिल्कुल चलेगा, 300 रुपए किलो ऑर्डर चलेगा। मैं खरीदूंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा, 300 रुपए किलो का आटा खरीदूंगा, लेकिन राष्ट्र के नाम पर जो देश की रक्षा आंतरिक मामले पर सुरक्षा करता हो और भारत के गौरव को बढ़ाता हो मैं उसको वोट दूंगा 300 रुपए किलो का आटा खरीद करके। अपना भलल पोस आम जनता खरीद पाएगी। हाँ आम जनता खरीद पाएगी, जनता सभी लोगों के अंदर सभी करोड़ 80 करोड़ लोग। आप तो सत्ता की मलाई खा रहे हो, तो आप 5,000 नहीं 15,000 का सिलेंडर ले रहे हो, ले लोगे। लेकिन मेरी सुनिए, एक मिनट, आपने सत्ता की मलाई खाई है इसलिए आप नहीं 5,000 का नहीं 15,000 का सिलेंडर ले लोगे। भाग जाओ भैया चाइना, कहाँ चाइन भाग, क्यों भाग चले जाओ, क्यों भाग जाए, चूंकि वहाँ सस्ता है। कहाँ सस्ता, सस्ता सस्ता है देश में, सस्ता महंगा करेंगे, वोट देंगे, वोट लेंगे। खोज लो, हाँ खोज ले, क्यों खोज ले, मोबाइल लिए हो यार चाइना के, तो मोबाइल लिए हो आप, चाइना का कुर्ता, चाइना का जूता, इसलिए मैं आपसे क्या बोला, 100 बात के एक बात, जिसको महंगाई ना लगती हो गोबर खाता है। ये जनता से पूछ लो, सबको सबके महंगाई लग रही है, पूछ लो, घुमाओ ना बड़े भैया, महंगाई है ना बड़े भैया, लोग बिल्कुल महंगाई है, महंगाई है, हाँ क्योंकि हम लोग हिंदू महंगाई, बिल्कुल महंगाई भैया, गरीब मजदूर बेसहारे लाचारे जितने बिजनेसमैन है, जो हम लोग जो दाल रोटी आटा सब्जी टमाटर वगैरह वगैरह खाते, तेल ओले सब है, तो ये सब महंगाई है, जो नहीं खाते तो गोबर खाते हैं, तो मलाई खाए। अब गुंडागर्दी खत्म, दलाली गिरी खत्म, और चाटुकारिता खत्म, सब डिजिटल इंडिया हो गया है, खाते में पैसा जा रहा है, गरीबों की लड़ाई सीधे मोदी कहते हैं टप जाता है, सन्न दे, सब सम्मान निधि का पैसा जाएगा, सन्न दे। ये फाइल लेकर के चलते थे, ये फाइल लेकर के चलते थे, आते थे, हाँ जरा फाइल पास करा दीजिए, 5,000 रुपया लगेगा, हाँ लाइए 2,000 रुपया जेब में, 3,000 रुपया का चाह, और गरीबों का शोषण करते थे, यही काम करते थे। आज व्यवस्था इस सरकार में नहीं है, 5 करोड़ रुपया सरकार में, विपक्ष रुपया तो हमेशा ले रहा है, विपक्ष के दलाली खत्म, विपक्ष के दलाली खत्म, एकदम विपक्ष वाले कम हुआ, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के नाम पर तो एकदम बिल्कुल बता रहा हूँ कि कोई ऐसे नहीं करता है, सस्ता होना चाहिए ना, सस्ता, ये सरकार के दम पर सस्ता होना चाहिए। सिंधे कौन था तुम्हारे, कौन से वासी पाउडर आया जो सिंधे के ले लिए, ओम प्रकाश राज भरवा को ले लिए, और सब तमाम दे जितना।